नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संग जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम समस्त गुरु परिवार का स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी के समय की संगत, ब्लेस संगत, शकुंतला आंटी और अशोक अंकल उपस्थित हैं जो कि संगत करने आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गुरु परिवार की तरफ से। अंकल आंटी, आप संगत शेयर कर सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयरिंग करने का परम सौभाग्य दिया। क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते, सत्संग शेयर करना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद दूसरा शुक्राना मैं मल्टी लिंगुअल टीम का करूंगी, जिसके सफल प्रयासों के कारण हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, जहां हम अपने गुरु परिवार से अपने मन के भाव उजागर कर सकते हैं। हम अपने गुरु परिवार से अपने दिल की बात, अपना जो गुरु महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, सब शेयर कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड वासन अंकल, रेणु शर्मा आंटी और पूरी टीम का, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं हरियाणा में रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले कि भगवान की पूजा के बिना कभी हमने खाना भी नहीं खाया था। पूरे परिवार का यही रूटीन था कि सुबह नहा धोकर भगवान को प्रणाम करके तभी आगे कोई काम करते थे, इसलिए लाइफ भी बड़ी स्मूथ चल रही थी। भगवान की असीम कृपा थी। इन लाज भी मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरे मदर इन लॉ जो अब इस समय गुरु जी के चरणों में हैं, काफी एजुकेटेड नहीं थे पर गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण लगे हुए थे, तो हमारे घर में जो भी पुण्य काम होता था, शुभ काम होता था, वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही होता था। मैं लॉर्ड कृष्णा और भगवती जी में बहुत आस्था रखती हूँ। तभी लाइफ में एक सडन चेंज आया था, या मैं यूं कहूं कि गुरु जी का बुलावा आया। हुआ ये कि मेरे ब्रदर डॉक्टर HR ढल का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी चोट लगी। काफी चोट लगी और उसकी वजह से हम सब बहन भाई काफी डिस्टर्ब थे। सबने बहुत सेवा की, काफी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। उन्हीं दिनों उनके एक फ्रेंड डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो दिल्ली रहते हैं, उन्हें मिलने आए तो उन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि दिल्ली में हमारे गुरु महाराज हैं, मैं उनसे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करूंगा और जब आप ठीक हो जाओगे तो आप शुक्राना करने जरूर जाना। ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद जब ब्रदर ठीक हो गए तो हम सब गुरु महाराज का शुक्राना करने गए, और उससे पहले हमें गुरु महाराज के बारे में कुछ खास नहीं पता था। तो जब गए तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी मन में कि कैसे होंगे गुरु महाराज, कैसे दिखते होंगे, हमारे से क्या प्रश्न पूछेंगे, हम कैसे बात करेंगे। पर जब हम वहां गए तो वहां का जो नजारा देखा तो हम चौकन्ने रह गए। सबसे पहले हमें अंदर बुलाया, बैठाया गया, हमने गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज जिस गद्दी पे विराजमान थे और जिस चोले में थे, यूं लग रहा था कि साक्षात भगवान बैठे। उनके चेहरे पे जो ओरा था, जो ओरा था, जो गरिमा थी, वो कहने में भी नहीं बनती। बहुत अच्छे लग रहे थे गुरु महाराज, बहुत शांति मिली। आंखें थी तो हट ही नहीं रही थी और मन कह रहा था कि यूं ही गुरु महाराज को
निहारते रहे। बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। हम थोड़ी देर गुरु महाराज के चरणों में बैठे, तभी हमें वहीं बैठे बैठे चाय प्रसाद दिया गया, तो हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। उस समय गुरबानी चल रही थी, तो जो हमें ज्यादा क्लियरली समझ तो नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बार बार गुरबानी सुनो तभी उनके वर्ड सारे समझ आते हैं, पर इतने महक मनमोहन भजन चल रहे थे कि हम मुग्ध ही हो गए। हमें नहीं पता चला कि हम घंटा डेढ़ घंटा वहां कैसे हमने वहां बैठ के वो गुरबानी सुनी। बंधु, थोड़ी देर बाद हमें लंगर प्रसाद के लिए कहा गया कि अभी आप सभी सीधी लाइनें बना लीजिए। और हम सोचने लगे कि ये कैसा लंगर यहीं मिलेगा, तो उन्होंने मैट बिछाए और जो जो लाइन में थे उसी के अकॉर्डिंग चार चार भक्तों को, चार चार संगत को प्रसाद दिया गया। वो भी हमें सिस्टम नहीं पता था, तो हमने बाकी संगत को देखा तो वो फॉलो किया। पता चला कि गुरु महाराज का ये करने का, ये लंगर का ये सिस्टम इसलिए किया गया है कि यहाँ ऊंच नीच भेदभाव बड़ा छोटा कोई भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। हम सब ने वहां प्रसाद बैठ के लिया और प्रसाद लेने के बाद हमें कहा गया कि आप बाहर जाके हैंड वॉश करके आए। हम चले गए, फिर हम अंदर आए तो वहां संगत उस समय बहुत कम होती थी, और ये सिस्टम था कि जाने से पहले हमें गुरु महाराज से दोबारा से इजाजत लेनी थी। तो जैसे जैसे हमें कहा गया, सेवादारों ने जैसे जैसे कहा हमने वैसे ही किया। हम वहां बैठे, हमने गुरु महाराज से दोबारा इजाजत ली जाने की, और फिर हम अपने रोहतक के लिए रवाना हो गए। तो रास्ते में अब हमारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं था, यही यही बातें कर रहे कि ऐसा डिसिप्लिन तो हमने कभी देखा ही नहीं है, और वो भी एक धार्मिक संस्थान में जहां इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो सारे रास्ते गुरु महाराज की बातें होती रही, और ब्रदर ने तभी हमें बताया कि आज मेरे साथ तो एक चमत्कार हुआ है। जो एक्सीडेंट के बाद कभी नीचे क्रॉस लेग्स में आलती पालती मार के नहीं बैठे थे, वो उस दिन बैठे और उन्हें वाइब्रेशन हुई, ऐसे चमक सी हुई, लगता है कि गुरु महाराज ने उनका संकट उसी समय काट दिया था। तो रास्ते में उन्होंने हमें बताया तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें तभी से विश्वास हो गया कि ये भगवान है, ये गुरु महाराज हमारे भगवान है, और उन्होंने हमारे कष्ट काट दिए। तो हमने यही डिसाइड किया कि अब हम इन्हीं गुरु महाराज के पास आएंगे और हमेशा आएंगे। घर जाने के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि हम महीने में एक बार जरूर जाएंगे। हम सभी बहन भाई सर्विस में हैं, उस समय भी थे, तो यही सोचा कि सैटरडे किसी दिन बनाया करेंगे। शाम को हम काफी लेट निकलते थे रोहतक से, दिल्ली में हमारे सिस्टर बड़े वहां रहते हैं, उनको लेते और गुरु महाराज के दर्शनों के लिए हम जाते। बहुत अच्छा लगता, पर मन यूं करता था कि महीने में एक बार तो नहीं, दो चार बार जाया जाए। जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती थी, पर फिर भी हमने अपना ये जो शेड्यूल था ये कंटिन्यू रखा, क्योंकि वहां जाने का हमें बहुत तड़प सी रहती थी। यही मन करता था कि कब जाएंगे, कब गुरु महाराज के दर्शन होंगे। तो ये सिलसिला हमारा काफी टाइम तक, यूं कहूं कि 2-3 साल से भी ज्यादा चलता रहा, 2 साल चलता रहा। फिर मुझे अच्छे से आज भी वो दिन याद है। एक दिन मैं अपने ब्रदर के घर ही बैठी थी, डॉक्टर ढल के घर, संध्या का समय था, तो दिल्ली से सिस्टर और जीजा जी का फोन आता है कि गुरु महाराज ने महासमाधि ले ली। हम उनके फोन पे विश्वास ही नहीं कर रहे, हाथ कांपने लग गए, आंखों से जरा जर पानी आ रहा। मन था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि ये क्या हो गया, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया कि ये कैसे समाचार।
तो हम मानने को तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने कहा नहीं ये सत्य है, गुरु महाराज ने समाधि ले ली है। तो बहुत मन खराब हुआ, काफी रोए हम, पर क्या करते, जो मानना ही पड़ा इस बात को। नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर, भाभी, मैं, मेरे अंकल, हम सब जो हैं दिल्ली में गए। वहां गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जो भीड़ थी उसको देख के और मन मान गया कि वाकई ये बात सत्य है। गुरु महाराज को दर्शनों के लिए जो अब बड़ा मंदिर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में दर्शनों के लिए रखा हुआ था। सब परिक्रमा कर रहे थे, अपने मन को सांत्वना दे रहे थे। तो ये काफी देर ये प्रोग्राम मतलब ऐसा चलता रहा। फिर आखिर संगत को वहां से हटा दिया गया और गुरु महाराज जी की जहां अब समाधि है उसी जगह पे गुरु महाराज जी को अग्नि दी जानी थी। वो दृश्य देखने वाला नहीं था, पर इन्हीं हाथों ने गुरु महाराज की उस प्रक्रिया में भाग लिया, समिधा भी डाली और अग्नि में जो समिधा और जो भी उन्होंने हवन सामग्री दी हमने डाली। इतने फोनर्स उस दिन आए हुए थे, उनको देख के लग रहा था कि हमारे गुरु महाराज को मानने वाली बहुत संगत। रो रो के सबका बुरा हाल था, पर एनी हाउ मन को समझाना पड़ा। शाम देर तक हम वहीं रहे, तो फिर हम घर वापस आए। उसके बाद तो 10-15 दिन काफी सभी अपसेट रहे। हम तो क्या, दिल्ली मंदिर वाले भी सभी की कैसे चलेगा सब। फिर धीरे धीरे फिर वही सिस्टम शुरू हुआ। गुरु महाराज की गद्दी को भी हम यही अब भी यही मानते हैं कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में है। उनकी आत्मा हमारे सबके बीच में है, अपने संगतों के बीच में ही है। सिर्फ उन्होंने इस शरीर को ही, भौतिक शरीर को छोड़ा है और वो अपने धाम में चले गए। थोड़े समय बाद हमने ये सोचा कि किसी तरीके हम रोहतक में भी सत्संग करवाएं। मेरे ब्रदर के घर सबसे पहला सत्संग हुआ। अब हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं पता थे, तो दिल्ली से संगत आई सत्संग करने, तो हमने हर चीज को अच्छे से समझा और वो देखा कि ये सत्संग कैसे करते, क्योंकि मन में बड़ी श्रद्धा थी, तलब थी, लालसा थी कि कैसे गुरु महाराज को हम अपने घर में बुलाएं, कोई हमारे से गलती ना हो जाए। फिर थोड़े दिन बाद कोई सत्संग हमें नहीं मिला। 1-2 महीने के बाद हमारे रोहतक में एक और संगत जिनका नाम रमन खुराना जी हैं, उनके घर में भी सत्संग हुआ। हमें मैसेज आया, हम गए। उनके घर में भी दिल्ली से ही संगत आई हुई थी सत्संग करने, तो हमने और अच्छे से सत्संग करने की सारी विधि जान ली और हमने डिसाइड किया कि हम अब सत्संग कर सकते। शायद गुरु महाराज हमारे से ये तैयारी करवा रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम लोग सत्संग करें। संगत जी आप यकीन नहीं माने कि उसके थोड़े ही दिन बाद गुरु महाराज मुझे स्वप्न में आए। ब्रदर के घर के सत्संग होने के थोड़े दिन बाद गुरु महाराज मुझे स्वप्न में आए। वाइट चोला उन्होंने डाला हुआ और मेरे पलंग के पास वो इधर से उधर घूम रहे, इधर से उधर। मैं डर गई, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि थोड़ा ही समय हुआ था गुरु जी को गए, तो वही वाइट कपड़ों में मुझे दिखा। गुरु महाराज कहते हैं, बेटी तू रोंदी क्यों है, तू अपने रोहतक सत्संग शुरू करवा ले। और मैं कांप सी गई, मैंने कहा रोहतक, रोहतक में मैं कैसे, हम कैसे करवा सकते। शायद ये गुरु जी का अंदेशा था, वो हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि वो हमारे साथ हैं
और हम सत्संग कर सकते हैं। तो जिस दिन रमन पुराना अंकल के घर सत्संग हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिया, तो मैंने बड़े दबदबे मन से मैंने कहा, कोई कहेगा ये क्या आंटी क्या अपना स्वप्न शेयर कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ी हो सकता है, हम अपने आप सत्संग थोड़ी कर सकते हैं। इवन देन आई शेयर्ड माई ड्रीम, जो मेरे साथ अंकल बैठे थे, मैंने कहा अंकल जी एक बात कहूँ, प्लीज आप अपने तक अभी रखना। क्या हुआ आंटी? मैंने कहा रात को ना उस दिन गुरु जी महाराज मुझे सपन में आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप रोहतक में संगत क्यों नहीं करते। तो वो अंकल बोले, आंटी तो ये तो अच्छी बात है, आप डर क्यों रहे? तो धीरे धीरे ये बात 10-12 फैमिली हम वहां बैठे थे तो सब में हो गई, और पहले भी ये बात चल रही थी कि हम ट्राई करते हैं कि हम सत्संग खुद ही किया करें। एवरीबॉडी एग्रीड। तो हमने विद इन 10 मिनट सभी के मोबाइल नंबर लिए और वहीं बैठे बैठे एक ग्रुप क्रिएट किया, जिसका नाम रखा हमने शुक्राना गुरुजी। एक ग्रुप बनाया रोहतक संगत का। फिर ये डिसाइड किया कि कैसे सत्संग होने चाहिए, प्लानिंग हुई मीटिंग टाइप। तो ये डिसाइड हुआ कि एवरी मंथ लास्ट संडे को किसी भी संगत के घर सत्संग होगा जो करवाना चाहेंगे। सबने सहमति दे दी। तो रोहतक में पहला सत्संग जो मंथली हमने प्लान किया, हमारे यहाँ एक सागवान अंकल हैं उनके घर हुआ, और दूसरा सत्संग जो था गुरु महाराज ने उस सत्संग की सेवा हमें बख्शी। तो जब पहला मंथली सत्संग हुआ तो उसके बाद मेरे बड़े सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, सानी हैं वो बायकास्ट, तो सिस्टर और जीजा जी कहते हैं कि आप सत्संग करवाओ इसके बाद। मैंने कहा नहीं, हमारे में समर्थ नहीं है, हम इस काबिल अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, गुरु महाराज सबकी सुनते हैं, जरूर आएंगे। संगत जी आप यकीन मानिए कि दूसरा मंथली सत्संग जो था वो गुरु महाराज ने हमारे घर में आना स्वीकार किया, और इतना धूमधाम से वो सत्संग हुआ कि आज तक हम वो सत्संग नहीं भूले। बटरफ्लाई उस दिन सारी रात उस रूम में जहां गुरु महाराज जी का दरबार लगा था सारी रात घूमती रही। हम फैमिली के काफी मेंबर्स उसी रूम में रात को हम गुरु महाराज के चरणों में ही सोए। तो वो बातें हमें आज तक याद है, और गुलाब की महक इतनी थी कि जो भी संगत आती यही कहती, आंटी जी रोज स्प्रे किया है क्या आपने, आपने रोज वाला सेंट लगाया? आई सेड नो, कुछ नहीं, ये गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, गुरु महाराज अपनी बच्ची के घर आए, उसके लिए आज तक वो पहला सत्संग हम नहीं भूलते, और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। उसके बाद तो रूटीन में काफी बार गुरु महाराज ने हमें ये सेवा बख्शी है, और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आगे भी हमें ये सौभाग्य देंगे। संगत जी गुरु महाराज कि ये जो जर्नी है इतनी अच्छी है, तो मन करता है इसको सबको शेयर करें, सबको बताएं कि हमारे गुरु महाराज कितने दयालु हैं, उन्होंने हम जैसों को अपने चरणों से लगाया। और ये तभी होता है जब गुरु महाराज चाहते हैं। तो शायद ब्रदर को यही चोट लगनी थी, उनका एक्सीडेंट होना था, तो एक ये जरिया बनना था, तो गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में लगाया। और वो दिन 2005 से लेके आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब तो यूं लगता है कि गुरु महाराज ही सब कुछ हैं, मेरे माँ बाप भाई बहन फ्रेंड एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग फॉर मी। इन शॉर्ट आई में से
इज माई लाइफ लाइन। मेरी लाइफ गुरु महाराज से शुरू होके गुरु महाराज पे ही समाप्त होती है। तो ये गुरु महाराज का हमारे जीवन में अब ओहदा है, स्थान है, जितना उनके लिए कहूं उतना कम है। क्योंकि गुरु महाराज के लिए कई बार मैं ये फील करती हूं कि गुरु महाराज जो हैं सागर सा गहरा है, उसमें जाऊं कैसे, सागर सा गहरा है उसमें जाऊं कैसे, अपने आप को उनके काबिल बनाऊं कैसे। गुरु महाराज जी, हम आपके काबिल बनने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत करनी होगी, अपने आप को और सरेंडर करना। गुरु महाराज में बहुत बहुत पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये मेरी भी इच्छा पूरी होगी। गुरु महाराज हमें अपने चरणों से कभी भी दूर नहीं करें। तो ये तो रही मेरी जर्नी गुरु महाराज के साथ। अब गुरु महाराज ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी हैं वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। बहुत खुशी होती है बताते हुए कि मुझे गुरु महाराज ने क्या क्या बख्शा है। संगत जी, मैं काफी बीमार रहती थी। अभी बच्चे भी छोटे थे एंड आई वॉज इन जॉब। नहीं समझ आता था कि कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, कैसे ये जिम्मेवारियां पूरी हों। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, शायद ही कोई डॉक्टर होगा दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी, सभी जगह लेके गए, बट मैं कंप्लीटली ठीक नहीं हो पाई। पर गुरु महाराज जी के आगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब से गुरु महाराज की शरण में आई हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मुझे पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम थी, एसिडिटी, बैकएक, लेग्स पेन, काफी प्रॉब्लम्स थी, और अभी आज मैं आपके सामने हूं। ये सब कुछ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही हुआ है। और मैं कई बार तो बड़े घमंड से कह देती हूँ अपने, मुझे गुरु महाराज जी पे नाज है, और मैं कहती हूँ गुरु महाराज ने तो मुझे लोहे जैसा बना दिया। जितनी मर्जी सेवा करो, जितना मर्जी सत्संग में जाओ, और गुरु महाराज हमें मजबूत बना रहे हैं। तो ये संगत जी सच है, गुरु महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं, हमारे प्यार के भूखे भूखे हैं। गुरु महाराज की कितनी भी बड़ाई कर लो, बहुत बहुत कम है। बड़ाई करना अच्छा लगता है, पर जितनी करें उतनी कम है। भला अगर चंद्रमा को कोई कहे कि दीपक दिखाओ तो उसे उसे क्या इफेक्ट होगा, पर नहीं, हमारे गुरु महाराज तो हमारे भाव से ही हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहली चीज तो गुरु महाराज जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, क्योंकि कहते हैं अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हमारे आगे चाहे हीरे जवाहरात भी पड़े रहे तो उसका कोई यूज नहीं होता। तो अब मेरे पास सब कुछ है, गुरु महाराज हैं तो सब कुछ है, उन्होंने मुझे सब कुछ ब्लेस किया। दूसरी चीज जो गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस की है, पीस ऑफ माइंड।
संगत जी, मैं नहीं, मुझे खुद मेरे कलीग्स, बच्चे, रिलेटिव सभी कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, और ये फैक्ट है संगत जी। एक गुरु जी से मिलने के बाद, गुरु महाराज की सेवा में आने के बाद, हमारा सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, सेवा करने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। नाउ आई वॉन्ट टू सर्व एवरीबॉडी। मन करता है मुझे कोई अवसर मिले, मैं किसी की सेवा करूं। तो ये विचार, ये थॉट, ये संस्कार, ये सब कुछ गुरु महाराज ही हमें देते। तो माई लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज। तो ये सब कुछ जो मेरे में चेंज आया है, जो मुझे पीस ऑफ माइंड मिला है, कि गुरु महाराज ने जी ने दिया है। कहते हैं कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सिर्फ मन की शांति नहीं खरीद सकते। उसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं दे सकता जिससे आपको मन की शांति मिले। तो हमारे गुरु महाराज तो वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये सब चीज मुझे बिना दवाई के ही ब्लेस की है। देखना, देखो जरा। हेलो, हाँ जी, तो गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो जो आपने अपनी बच्ची को ये सेवा, सिमरन, सत्संग बख्शा है, ये गुरु महाराज प्लीज मुझे बख्शते रहना और अपने चरणों से दूर नहीं करना। अभी भी हम गुरु महाराज जी के जब बड़े मंदिर मीन्स आश्रम में जाते हैं, तो समटाइम्स तो यूं लगता है कि गुरु महाराज तो ये विराजमान ही है गद्दी पे, कहीं नहीं गए, सिर्फ उन्हें देखने के लिए हमें आंखें चाहिए, हमारी आंखों में वो भाव होना चाहिए। संगत जी, ये जो बड़ा मंदिर है, ये गुरु महाराज ने अपने प्रेजेंस में स्वयं बनाया था। मुझे याद है कई बार हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो वहां से हमें पता चलता था कि आज गुरु महाराज बड़े मंदिर में बैठे हैं। तो हमने क्या करना, वहीं से अपनी गाड़ी बड़े मंदिर के लिए ले ली। तो जब आश्रम का निर्माण हुआ है, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, तो यूं यही लगता है कि गुरु महाराज इसी आश्रम में ही हैं, वो कहीं नहीं गए। तो ये सत्य है कि इस आश्रम में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, जो भी जाता है वो हमेशा ब्लेस होके आता है, कुछ लेके ही आता है। कोई भी संगत कभी भी महाराज जी के द्वार से खाली नहीं आई। तो कई बार मैं सोचती हूँ, दो शब्द गुरु जी के लिए यहाँ भी मैं बोलना चाहूंगी कि गुरु महाराज ने मुझे कभी खाली नहीं भेजा। कैसे? मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकती, मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकती, अपनी मर्जी की खुशियां मैं पा नहीं सकती, अपनी मर्जी की खुशियां मैं पा नहीं सकती, पर इतना तो यकीन है मेरे गुरु जी, पर इतना तो यकीन है मेरे गुरु जी कि आपके दर से मैं खाली जा नहीं सकती, आपके दर से मैं खाली जा नहीं सकती। मैं तो क्या, कोई भी खाली नहीं जा सकता। मेरे गुरु महाराज महाशिव हैं और हम सबका उद्धार करने के लिए ही उन्होंने इस धरती पे आए, सबको ब्लेस किया और ब्लेस कर रहे हैं, सारे विश्व को ब्लेस कर रहे हैं, नॉट ओनली हमें। आप देखिए कहाँ कहाँ तक गुरु महाराज की महिमा गाई जा रही, सच्चाई है ये। गुरु महाराज हमारे महाशिव हैं,
भगवान है। संगत जी, मैं 2-3 दिन पहले किसी की, हेलो इधर ध्यान कर, सत्संग शेयरिंग सुन रही थी, तो मुझे उस अंकल की ये लाइन मत को छू गई। ही सेड कि गुरु महाराज हमारे लिविंग गॉड है, लिविंग गॉड। वो महापुरुष नहीं, वो गुरु जी नहीं, वो लिविंग गॉड है, भगवान है। तो वाकई ये फैक्ट है। तो गुरु महाराज हमारे लिए हमारे दाता, हमारे इष्ट, हमारे देव, सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग फॉर अस। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी ने बाकी महापुरुषों या गुरुओं की तरह कभी कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाई। कहते थे जब भी आओ हंसते खेलते आओ, साज धाज के आया करो, चंगे कपड़े पाया करो, चंगा खाया करो, पर एक गल याद रखना, किसी का दिल ना दुखाया करो। डोंट हर्ट एनी बॉडी। अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो याद आती हैं गुरु महाराज की शिक्षाएं, उनके वचन। तो कोशिश यही रहती है कि गुरु महाराज जो आपने वचन जो शिक्षाएं दी हैं, हम उन पे खरे उतरे, उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं। एक और चीज जो, एक और बात जो गुरु महाराज बहुत कहते थे, मंगो नहीं मन्नो। ये तो शायद सभी संगत को मालूम होगी, काफी गुरु के फेवरेट वचनों में से है। मंगो नहीं मन्नो, सच्चाई है, उस भगवान से हम क्या मांगे। जो दे देना जानता है उन्हें ये भी पता है कि हमें चाहिए क्या। तभी तो मैंने कहा कि गुरु महाराज मेरी माँ बाप सब कुछ है। एक माँ को पता होता है उसके बच्चे की क्या डिमांड है। तो समय से पहले माँ बाप बच्चों की डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज को सब पता है, सारी संगत गुरु महाराज के बच्चे हैं। तो उस माँ को भी पता है मेरे किस बच्चे को क्या चाहिए। तो ये पॉसिबल तो तभी होगा ना जब हम भी एक बच्चे की तरह बिहेव करें। अगर हमारे में अहंकार है, बुराइयां हैं, तो जो बच्चा अच्छा नहीं होता उसे माँ बाप भी प्यार नहीं करते। फर्स्टली वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर सेल्स। हमें भी अपने आप को बदलना होगा, तभी हमारे गुरु महाराज अपने, जो हम उनके बच्चे हैं, उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो संगत जी, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा माँ को सरेंडर कर देता है अपना सब कुछ, माँ बाप को अपना सब कुछ गुरु महाराज को सरेंडर कर दे, जो करना है गुरु महाराज जी आपने करना है, जो देना है वो आपने दे, हमें क्या चिंता। और ये सच है, मांगते तो हम बहुत कुछ है, चाहते भी हैं, पर गुरु महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु महाराज जी कहते थे, कई बार संगत मैनू मजबूर कर दिए थे, मैनू वो देना पैंदा है, पर वो परमानेंट चीज नहीं होंगी, तुसी मैं मजबूर ना किता करो। तो गुरु महाराज जी, मैं आपके उपदेश का जरूर पालन कर भी रही हूं और करूंगी। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में सरेंडर बहुत समय से कर दिया है, और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये लाइफ, ये जीवन, ये बेटी,
ये आपकी अमानत है, जैसे रखो, जैसे चाहो वैसे रखो, मैं कभी उस तक नहीं करूंगी। हाँ, एक चीज मैं हक से मांगूंगी, सेवा, सत्संग, सिमरन, उसके लिए तो मैं हमेशा आपसे एक भिखारी की तरह डिमांड रखूंगी कि मुझे सेवा, सत्संग, सिमरन जरूर बख्शना, बाकी जो चाहे आप अपनी बच्ची को, बेटी को ब्लेस करो, वो आपकी खुशी है। हमने तो अपने जीवन की नैया आपके चरणों में सौंप दी है, आगे जो आप अच्छा करोगे, अच्छा करो, हमें विश्वास है। संगत जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम गुरु महाराज की शरण में आ गए हैं तो हमें कष्ट लाइफ में अब नहीं है, या सारी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कष्ट भी आते हैं और आएंगे भी, पर उन कष्टों को सहने की जो शक्ति गुरु महाराज देते हैं, या जो हमारा नजरिया बदलते हैं, वो गुरु महाराज ही हैं। कई बार सड़क पे जाते हैं, कोई थोड़ी सी चोट लग जाती है तो पहले तो ये कहते थे, क्या ये कष्ट हमारे ही किस्मत में लिखे हैं? अब मुंह से ये निकलता है, गुरु महाराज जी, आपने इतने में ही रख लिया, इतने में ही बचा लिया। तो ये हमारी एक सोच है, सोचने का नजरिया है, गुरु महाराज ने जो बदल दिया है। कष्ट सहने की क्षमता देते हैं सबको। अब जो कर्म हमने किए हैं वो सहने तो हमने ही है। गुरु जी कहते हैं कि 90% तक कष्ट मैं थोड़े कट देना, अपने ऊपर ले लेना, फिर 10% तो तुसी ही कटने। तो 10% कष्टों को सहने के लिए भी शक्ति गुरु महाराज ही देते हैं। तो गुरु महाराज जी, कितना शुक्राना करें आप, कितना शुक्राना करें, उतना ही कम है। हर समय मन में एक उमंग, एक तलब रहती है कि गुरु जी का जिक्र करें, गुरु जी का सत्संग करें। ये इच्छा पूरी ही नहीं होती, बजाय दिन बाय दिन गुरु महाराज जी से जुड़ाव हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात सच है कि अगर हम गुरु जी से इस भाव से प्यार कर रहे हैं तो जरूर गुरु महाराज भी हमें ब्लेस कर रहे हैं, और हमें वो भी प्यार एक माँ बाप की तरह दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी, इस सोच के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप अंग संग हमारे साथ हो। गुरु महाराज जी हमारे हर जगह हैं, उनके लिए हमें कोई उनका सब रूप या कुछ ऐसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अपने मन के अंदर गुरु महाराज की छवि को बिठा लें तो वो कहीं नहीं जाएंगे। गुरु महाराज इज एवरीवेयर, ही इज विद अस, दिस इज वी, कि हमें फील करना है वेयर इज ही, वो हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारी चारों तरफ है। तो हमें इस चीज को फील करना है। अगर वो कहेंगे हमारे, हम कहेंगे हमारे अंदर है, तो कहीं नहीं जाएंगे। हमें उनको अपने पास रखना है, कहीं जाने ही नहीं देना।
तो ये सारी पॉजिटिविटी हमें गुरु महाराज ही दे रहे हैं, सारी संगत को देते हैं। कई बार कोई गुरबानी में या कई सत्संग शेयरिंग होती है तो कोई कोई बात मन को छू जाती है। एक सत्संग शेयरिंग भी हो रहा था और थोड़ी देर पहले गुरबानी भी चल रही थी, तो उसमें मैंने ये सुना कि जो हमारी नेगेटिविटी है उसकी पोटली मीन्स सारी जो नेगेटिविटी है हम गुरु महाराज के चरणों में छोड़ दें और हम गुरु महाराज को कहें कि हमें ये ऐसे विचार नहीं लाओ या जो हमारे से बुरे कर्म हो गए हैं वो आज से हमने आपको समर्पण कर दिए। तो संगत जी कभी मन में आ भी जाता है, कभी गलत विचार गलत थॉट या कुछ गलत होने भी लगता है, तो मैं यही सोचती हूँ नो आई हैव प्रॉमिस्ड गुरु जी कि जो गलतियां जो जो कुछ भी हो गया गलती से उसे आप बख्श दो, आगे से हम इन चीजों से दूर रहेंगे। एक पॉजिटिविटी है कि अब हमें कुछ गलत नहीं करना, तो गुरु महाराज सारे अच्छे थॉट देना। बस बहुत कुछ दिया आपने, बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी लाइफ बीती, सब कुछ दिया, बस एक ही आस अब रह गई है, जब तक ये लाइफ है आपकी सेवा सत्संग सिमरन करूं और बस आपका ध्यान करूं, मुझसे कोई गलत काम ना हो, बस अच्छी सोच देना अच्छे विचार देना, ये हाथ किसी की सेवा कर सके किसी का भला कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ये जो जीवन रह गया अच्छे कामों में लगाऊं, हर समय आपका सिमरन करूं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ करना और जो हाथ आपने थामा है मुझे अपने चरणों से लगाया है अपने चरणों से दूर ना करना, इसी अभिलाषा के साथ शुक्राना गुरु जी। और मेरे अंकल अशोक खत्री अंकल भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी की प्यारी संगत को, सहप्रेम नमस्ते, जय गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने आज हमें सत्संग शेयरिंग करने के लिए आदेश दिए, इसके लिए हमारे अंकल वासन अंकल जी का भी शुक्राना जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, गुरु जी का सत्संग करने के लिए उन्होंने आज्ञा प्रदान की। तो संगत जी, आंटी ने अभी अपना बताया कि हम गुरु जी के चरणों से कैसे जुड़े, क्या क्या गुरु जी ने क्या साधन बनाए, किसको वसीला बनाया और अपने चरणों से हमें जोड़ा, उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। चाहे मैं ये भी कहूँगा कि लख वार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। मेरे प्यारे सतगुरु, आपसी रोम रोम थोड़ा नाम जपिए, थोड़ा मंत्र जाप करिए, थोड़ा शुकराना करिए, यही साड़ी हुन इच्छा हैगी है। मैं ये भी दसदा
कि जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो मैं दिल्ली जॉब में था, तो ये रोहतक से आंटी अपने ब्रदर के साथ रोहतक से आते थे, हम छतरपुर मेट्रो जो है यहाँ मिलते थे और वहाँ से बड़े मंदिर जाते थे। और उससे पहले जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो भी हम तीनों परिवार इकट्ठे होके एम्पायर स्टेट जाते थे। तो एम्पायर स्टेट में जो हमें ब्लेसिंग्स मिली उसमें यही था कि हम सबसे पहले जाते तो गुरुजी के चरणों में अपना सर रख के माथा टेकते, और गुरुजी जो रब सच्चे रब हैं हमें उनसे आशीर्वाद मिलता, ब्लेसिंग्स मिलती, और उसके बाद हम संगत में बैठ जाते, वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता, गुरबानी चलती, गुरुजी के सामने ही बैठने का मौका मिलता था उसी हॉल में। बाद में संगत बढ़ गई तो हम क्योंकि थोड़ा दूर से जाते थे, लेट भी हो जाते थे, तो सीढ़ियों में और फर्स्ट फ्लोर तक भी बैठने का अवसर मिला। तो संगत जी हमें वहां जो गुरु जी का आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मिलती थी, दो बार मिलती थी। एक बार तो जब हम जाके बैठते थे गुरु जी से आशीर्वाद लेके, फिर लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम आज्ञा लेते थे तो उस समय भी दूसरे दरवाजे से आके हम गुरु जी के चरणों में माथा टेकते थे, और उस समय भी हमें पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलती थी, हम उनसे आज्ञा लेके तब वापिस आते थे। तो संगत जी वहां ये एक छोटा स्वरूप भी रखा है गुरु जी का, ये एम्पायर, ये एम्पायर स्टेट में एक अंकल हमारे शायद डॉक्टर अंकल जो एम्स में उस समय थे वो सेवा पे थे, तो उन्होंने ये हमें स्वरूप दिया था, वो तब से हमारे ऊपर गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स हर समय दिन रात बरस रही हैं। तो गुरु जी आपका हर समय हर पल आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी सच्चे रब हैं, मगर उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से बताया कि हमें कभी किसी को मालूम भी नहीं हो रहा था कि हम इतने बड़े रब के पास बैठे हैं। एक बार तो उनके जो बचपन के दोस्त हैं उन्होंने भी बताया कि हमें भी समझने में सारी इतना समय लग गया, मगर हम समझ नहीं पाए कि ये तो रब का रूप है। हम भी उनको साथ दोस्तों की तरह रहे, ये उन्होंने अंकल ने हमें बताया, परंतु गुरुजी वास्तव में सच्चे रब हैं, सबकी सुनते हैं, सब पे कृपा करते हैं। तो फिर एक दिन वो दिन आया जब गुरुजी हमें छोड़ के अपने धाम चले गए, तो हमें दिल्ली से मैसेज आ गया और हम सुबह सुबह वहां पहुंच गए, तो गुरुजी का जो शरीर है उसको एक शीशे के बॉक्स में जहां गुरुजी की गद्दी है उसके बिल्कुल अपोजिट मंदिर, बड़े मंदिर में यहां रखा था। सारी संगत आ रही थी, किसी के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। संगत जी अपना गुरुजी के आखिरी दर्शन कर रहे थे, वो सेवादार हमें दर्शन करने के लिए बोलते और दूसरे दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहते, मगर हमारे अंदर इतना रहा, सारी संगत के मन में यही थी कि वो फिर घूम के आ जाते दर्शन करने के लिए। तो आखिरकार गुरुजी की पालकी बनी, पालकी बनाई गई, उनको पालकी में जब
नीचे लाए तो मैं उस समय जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है इसके पास खड़ा था और मुझे गुरु जी की पालकी को हाथ पे उठाने का तो अवसर मिला, तो इसलिए मैं वो बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। तो जहाँ अब वहाँ समाधि है, वहाँ पहले लॉन था, हरी हरी घास लगी थी, तो यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिस पे गुरु जी का अंतिम संस्कार किया गया, और उस समय भी सारी संगत वहाँ, बापूजी भी मौजूद थे, सारी संगत बार बार वहाँ रो रही थी और सब सारी संगत को वहाँ सामग्री और चंदन की लकड़ी वो सब अर्पण करने के लिए दी गई और संगत से बोला गया कि अब आप परिक्रमा कीजिए और अपने अपने घरों को जाइए, मगर संगत वहाँ भी वही हुआ कि संगत परिक्रमा करती, माथा टेकती, आज्ञा लेती, मगर फिर जाते नहीं, वहीं खड़ी रही संगत। आखिरकार जब आखिर में बोला गया कि अब जाओ, कई बार परिक्रमा करके भी संगत को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो बार बार गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, तो इस प्रकार और गुरु जी की सबको ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो गुरु जी एक उन्होंने अपना जीवन जो है वो हमें पता नहीं लगने दिया। कभी कभी फंक्शन कोई होता था तो एक बार मुझे याद है कि बड़े मंदिर में बाहर जहां अब पार्किंग है वहां शमियाने टेंट लगा के एक फंक्शन हुआ था जिसमें हंसराज हंस जी आए थे और सारी संगत सामने बैठी थी और गुरु जी के लिए ये गुरु जी आकर इसी झूले पर जो आज झूला है इस झूले पे आके बैठे थे और उन्होंने सारा प्रोग्राम में वो वहाँ उपस्थित रहे, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो जब हमारी बाँह एक बार पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु जी आप ही हमारी बाँह पकड़ो, क्योंकि अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो वो हम छोड़ बैठेंगे। तो गुरु जी की अपार कृपा है, तब से लेके आज तक जोड़ा हुआ है, अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, अपने सत्संग सेवा सिमरन सब बखशते हैं। तो कहते हैं कि गुरु जी बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार दे हो, हथ दे के कश्ती नूं बहु पार उतार दे हो, मैनू भी पार करो, मैं तो लंघिया नहीं जांदा। मेरे प्यारे सतगुरु, असी इस संसार विच हैं, मनुष्य हैं, गलतियां करते हैं, आप दे चरण अरदास है कि आप अपनी कृपा बनाए रखो और इस भव सागर तो सानू पार लंघाना, ये साड़ी अरदास है। हर वेले अपनी मेहर सारी संगत ते, सारे परिवार ते, सब नू ब्लैसिंग देना। गुरु जी आपकी रहमतों का दरिया हर समय सारी संगत पे बरसता है। मैं कहूंगा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहे है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हमारा काम चल रहा है। तो गुरु जी आप दे चरण च यही अरदास है कि हर वेले अपनी ब्लेसिंग्स सानू दो, अपने नाल जोड़ के रखो। गुरु जी संगत जी कोई भी संगत गुरु जी नाल तीन तरीके नाल जुड़ती है, एक भाव से,
एक अभाव से, एक प्रभाव से। तो संगत जी, गुरु जी के जब जब संगत के मन में कोई भाव प्रकट होता है, हालांकि वो करते स्वयं गुरु जी हैं, हमारे मन में जो भी भाव प्रकट करते हैं कि अब हमें गुरु महाराज से जुड़ना चाहिए, हमारा जुड़ने का वेला है, तो वो भाव गुरु जी स्वयं प्रकट करते हैं और हम अपने मन में जो भाव आता है उसके हिसाब से हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं। और जब संगत गुरु महाराज जी से जुड़ती है, जुड़ जाती है, तो उस समय हम ये आया है कि साडे गुरु ते महान ने वो साड़ी हर गल सुनदे ने और हर गल सुनदे भी ने, इहदे विच कोई दो राय नहीं है, वो साडे मन दे भाव ही जान लैंदे ने, वो हर वेले साडे नाल साडे अंग संग रहिंदे ने। तो उस जिहड़ा है उस हिसाब नाल असीं गुरु जी नाल जुड़ते हैं। तो जदों साडे भाव उत्पन्न होंदे हैं, गुरु महाराज की ब्लैसिंग्स होंदियां हैं, असीं गुरु जी नाल जुड़ जाते हैं, अपनी अरदासां लाने हैं, वो आसा पूरियां होंदियां ने, तो फिर असीं गुरु जी दे प्रभाव विच आते हैं कि हाँ, साडे गुरु महाराज तो सच्चे रब ने, वो साडी सारी सुनते ने। तो गुरु जी आप दे चरणा विच इहो ही अरदासां ने कि आप सारी संगत ते मेहरा करो, कृपालता करो, सारी संगत नूं खुशियां प्रदान करो और सानू अपने चरणा नाल जोड़ के रखो। जो सत्संग सेवा सिमरन बख्शी है वह हर वेले बख्शते रहना, सच्चे मन नाल सच्चे भाव नाल तुहाडी हर वेले असी सेवा करिए, हर वेले तुहाडा नाम जपिए, इहो ही साडी आसा ने। ते साडे ते कृपा करना, सानू अपने नाल जोड़ के रखना। गुरु जी आप जी का कोटि कोटि शुकराना, सारी संगत का शुकराना, सारे अंकल जी का शुकराना, आप जी का जितना शुकराना करा उतना थोड़ा है। हर वेले आप जी की मेहर बनी रहे, आप जी का कोटि कोटि शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। छोटा सा सत्संग और मैं शेयर करना चाहूंगी। उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग शेयरिंग करते हैं, ये सब गुरु महाराज जी की इच्छा से ही होता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक सत्संग सुनाना चाह रही हूँ कि चाहे हम जितना भी चाह लें कहीं सत्संग में जाना, जा तो हम तभी पाएंगे जब गुरु महाराज की इच्छा होगी। आज से कुछ वर्ष पहले मैं एक अपना 5-6-7 साल पहले का ही सत्संग सुना रही हूं कि कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे वो सत्संग ब्लेस किया। हुआ ये कि मेरे चाचा ससुर जी की डेथ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, वो यही रोहतक में ही रहते हैं। तो उनकी डॉटर इन लॉ होने के कारण मुझे 4-5 दिन सत्संग में जाने की परमिशन भी नहीं थी और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि घर में काफी आना जाना रहा, पर मन था, मान ही नहीं रहा था। सोचा कि अब यहाँ सारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है तो थोड़ी देर जाके गुरु महाराज जी के दर्शन करके मैं आ जाऊं। तो मैंने ये बात सिर्फ अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को बताई कि खत्री सर मैं नहीं रह पा रही, मैं सिर्फ दर्शन करके आ जाऊंगी। तो उन्होंने परमिशन दे दी, उन्होंने कहा ठीक है, इस 1-1.5 घंटा फ्री हो तो अभी घर में कोई काम नहीं, आप चले जाए। काफी सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था, तो मैं स्कूटर ड्राइव कर लेती हूँ, पर सर्दी इतनी ज्यादा थी, आई थॉट कि आई शुड नॉट ड्राइव द स्कूटर, पर तो मैं 3-व्हीलर पे ही गई। 3-व्हीलर पे जब मैं गई तो वो डेस्टिनेशन, वो जहां सत्संग था, काफी दूर था वहां से घर। अब सोचूं कि इतना चला कैसे जाए,
पता नहीं गुरु जी ने इतनी ताकत दे दी, मैं फटाफट चल के विद इन टाइम आई रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन, सत्संग भवन में मैं पहुंच के सोचा कि प्रणाम करके गुरु महाराज जी के दर्शन करके मैं आ जाऊंगी। पर संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वहां गई तो जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया तो मुझे तिलक लगाने की सेवा मिल गई। ढल अंकल ने मुझे तिलक लगाने की सेवा, कटोरी तिलक वाली दे दी कि आंटी ये सेवा आप करिए। अब मैं ना मना कर पाई, सोचूं कि मैं तो पकड़ी जाऊंगी, यहाँ तो पूरा टाइम लगेगा, मैं कैसे जाऊंगी घर। बट आई थॉट कि देखा जाएगा, मैं अपने हस्बैंड को तो बता के आई हूँ। तो मन में ही गुरु महाराज जी से बातें करे कि आप संभाल लेना गुरु जी, मैं सेवा तो करूंगी। तो मैंने संगत जी पूरी सेवा की तिलक लगाने की, जो 1.5-2 घंटे चलती है। हो गई मेरी सेवा पूरी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं जल्दी चली जाऊंगी, क्या करती हूँ जिस लाइन में सबसे पहले लंगर प्रसाद मिलेगा मैं वहीं बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पर गुरु महाराज जी को मेरी चालाकी पता लग गई, हालांकि आई वॉज राइट, मैं अपने हिसाब से ठीक चल रही थी। संगत जी जो लंगर दे रहे थे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वहां जाके बैठी, पर उन्होंने एंड पॉइंट से लंगर प्रसाद शुरू कर दिया। मेरे को अपने आप पे बड़ी शर्म भी आई कि मैंने कहा ठीक कहते हैं ये चालाकियां गुरु महाराज जी दे के तो चलदियां नहीं। आई फेल्ट सॉरी, गुरु महाराज जी से मैंने सॉरी की। फिर जो मेरी एक्चुअल सीट थी मैं वहां जाके बैठी, मैंने लंगर प्रसाद लिया और थोड़ा सा हलवा प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद, आई डोंट नो थोड़ा सा हलवा था या जो भी प्रसाद मुझे मिला, मेरे हस्बैंड अपने अंकल के लिए मैं लेके आई। तो मैं आई रश्ड एट माई रेजिडेंस, फटाफट में आई। अब घर आई तो मैंने सोचा किसी को क्या पता चलना है, मैं तो आई गई हूँ तो 1.5 घंटे में। पर मेरे माथे पे गुरु महाराज जी का तिलक लगा हुआ था, तो जिनको पता था मैं सत्संग में जाती हूँ तो उन्होंने कहा क्या आप भाभी सत्संग में हो क्या है। तो आई सेड यस, धीरे से मैंने उनको कहा कि प्लीज आओ। तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइट कर लिया, चंदन को माथे पे फैला दिया। तो आई सेड गुरु जी संभाल ले। तो उस दिन से मुझे यूं लगता है कि गुरु महाराज जी ने चाहना है चाहे हम किन हालातों में भी हैं तो हम तब भी सत्संग पे जा पाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं चाहना तो हम नहीं जा पाएंगे चाहे कितनी हमारी इच्छा हो। अब मैं वहां थोड़ी देर के लिए गई, पर गुरु महाराज जी ने मेरी पूरे समय की हाजिरी लगानी थी, मुझे वहां रुकना था, तो मैं वहां पूरा समय रुकी, पूरी सेवा की। तो ये छोटी छोटी बातें हमें इतनी शिक्षा देती हैं। तभी तो कहते हैं कि सरेंडर कर दें, जो गुरु महाराज जी आपने करना है करो। तो गुरु महाराज जी हमारे ऐसे हैं, तो उनके आगे हमारा में कोई गलती नहीं है। हाँ नतमस्तक है। शुक्राना गुरु जी, कुछ सत्संग शेयर करने में गलती हो गई हो, कोई भूल चूक, क्योंकि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं हमें नहीं मालूम, हम प्यार में इतने डूब जाते हैं नहीं पता चलता कि क्या बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज जी, संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू रेनू आंटी। हाँ जी, जय जय गुरु जी, अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, खत्री आंटी और खत्री अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उन्हें पुराने गुरु जी से और संगतों जुड़े हुए हो, बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। आपका सत्संग सुनकर संगत जी भी धन्य हो गई, और आपने बहुत अच्छा गुरु जी के बारे में बताया कि गुरुजी से मिलने जाते थे, कैसे कैसे मतलब गुरुजी मिलते थे, कैसी कैसी स्थिति होती थी। बहुत अच्छा लगा, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।
और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा भी एक छोटा सा सत्संग है, क्योंकि कई बार हमारे बहुत जवाब सवाल होते हैं जो हमें ये प्लेटफॉर्म पे आके संगत जी से मिलते हैं, और मुझे भी इनमें कई जवाब सवाल जवाब मिलते हैं। कई बार हम सवाल कर रहे होते हैं, हमें उनके जवाब मिलते हैं। तो एक बार क्या था कि हम गुरु जी के पास बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड घर में बड़ा मतलब कर रहे थे कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तेरा गुरु तेन दस सकता भी मैं हनुमान नु मंदा है। मैं कह पता नहीं भी मैनू, तो इस गल का भी मैनू जान दो गुरु जी को। मैं जो गुरु जी को पहुंची अपना प्ले उत्थे पहुंची अंपायर स्टेट, ते गुरु जी कहते ओ अंकल इधर आ, कहते लै 1.25 किलो गुड़ कल नू बड़े सारे उन्नू चढ़ा के आना हनुमान जी नू। ते ए सिर हिला के इंज करके बैठ गए। ते गुरु जी मैनू कहते की गल आंटी, की कहता सी अंकल तेनू, भी गुरु नू तेन पता भी हनुमान नू मंदा है। ते सो गुरु जी नू हर चीज का साढ़े अंदर पता हुंदा है कि साढ़े अंदर की है। अज मैं जो गुरु जी दे कोल जांदी हां, और अज भी मतलब गुरु जी बांह फड़दे हैं और अंदर तक लैके जाते ने। किस तरह एक शक्ति अंदर लै जाती है, मेरे च चुरन की इन्नी शक्ति नहीं होंगी, और किदां लै जाती है मैनू खुद नहीं पता। क्योंकि जदों मैं गुरु जी कोल बैठी सी, लाइव बैठी सी गुरु जी दे कोल, ते गुरु जी ने एक चुनिया सीगा, पहले बद्रीनाथ तो चुनिया प्रसाद दे के, फिर उन्होंने एक चुनिया, वो अपने ही संगत नू खुद चुनते ने, और उन्होंने विच ही ये चुन सकते ने, एक रब ही चुन सकता। उन्होंने जो मैंने चुनिया, तो उन्होंने एक अचानक ही कहता कि 1 महीने बाद तेरा ब्रेन स्टेम होना है, 40 दिन का व्रत रख, और 40 दिन के बीच बीच कुछ होना है। सो मैं थोड़े सामने बैठी हाँ, गुरु जी के साह दते हुए हैं, शुकराना अनंतम मेरे सतगुरु का शुकराना कि उन्होंने मतलब कि ये सब मुर्दियां च जान पाते ने और बहुत कुछ करते हैं। गुरु जी कहते थे आंटी आंदे रहा करो, इतने कोई VIP नहीं है, गुरु के दर से सब ने आना है, गुरु के दर से चोर भी आने, डाकू भी आने, सब आने, गुरु ने तो कल्याण करी जाना है, आंटी आया करो। सो असी जानते सी ये रब सानू ही मिल सकता सी, सानू सारी संगत जो है, आपा कोई नवी नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, जो जो गुरु जी ने चुनिया, जो जो गुरु जी ने अपने नाल जोड़िया, उदो उदो सारे जने जुड़ते चले गए। अज भी गुरु जी आ, मेरे एक कैंसर का आया सीगा इत्थे संगत जी सी, बड़ा उस तो बोलिया नहीं जा रहा सी, खाया भी नहीं जा रहा सीगा, ते संदीप उहदा नाम है, ते आपां उहनूं कहा भी कोई नहीं गुरु जी दे कोल मत्था टेको, बद्दी चलते हैं, बद्दी भी गुरु जी आए सी, उत्थों भी ब्लैसिंग लैंदे। उत्थे बैठे बैठे मैं एक गल सोच रही सी कि गुरु जी अगर इस तो अपने उपर मतलब मत्थे ते टिक्का लवा लोगे ना, तो जरूर इहदी उम्र बख्शणगे। मैं टिवाणा अंकल कोल बैठी हुई सी, तो गौतम अंकल साइड ते सीगे, ते वो जदों गौतम अंकल ने आवाज मारी कि अंकल आ, एक कुड़ी ने कहा अंकल तुसी टिक्का लगाओ, मेरे तो उत्थे जर जर अखा च हंजू पै गए कि जो मुंह च गल सी, और गुरु जी ने 1 सेकिंट के विच उन्हों बुला लिया। जो ही पता लग गया कि गुरु जी ने उहदी जदों जीभ कटनी है, ऑपरेशन होना है, दूसरी जीभ लगनी है, आले दुआले उहदी पेट चों कितों कितों मांस लैके, ते उन्हें जी जाना है अज जो ठीक है दिल्ली ने। सो गुरु जी अपना किस रूप चाहते ने, कदों आ जाते ने, सानू कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हर एक दियां गल्लां नू पूरा करते ने, हर एक दे अंदर वसते ने। वो गुरु जी नू असी कहंदे ना कि गुरु जी है, गुरु जी आ गए, किदा पता लगता गुरु जी आ गए, कई क्वेश्चन करते ने। ते एक दिन मैं कहा मैनू नहीं थानू भी पता लगेगा, ते उन्हां दा सवेरे सवेरे 3 बजे मैं दरबार है मेरा इधर, ते मैं इत्थे बैठी हुई सी है, पर गुरु जी दियां ब्लैसिंग वो हैगी 97 दियां, ते मैं इत्थे बैठी हुई सी, ते उहदा फोन आ गया, कहिंदी आंटी गुरु जी आ गए। मैं कहा किदां पता लग गया, कहिंदी गुरु जी दी ओह खुशबू आ रही है आंटी, जो घरे आई सी इत्थे, बहुत गुरु जी दी खुशबू है, गुरु जी तां पहुंच चुके ने। सो गुरु जी जदों उहदे घरे पहुंचे, उस कुड़ी दी सीमा ना रही, और सवेरे ही अपना बड़े मंदर दौड़े शुकराना करन गुरु जी दा। सो गुरु जी इक आपां नूं सब कुछ देन वाले, अपन नूं भगती देन वाले, अपने नाल लगान वाले, अपने चरणा नाल जुड़न वाले एक गुरु जी ने, अपन उन्हां दा लख लख शुकराना, जिन्ना अनंतम शुकराना करिए वो बहुत ही घट है। सो मैं खत्री आंटी दा, खत्री अंकल दा अज धन्नवाद करदी हाँ, प्लेटफॉर्म ते आए मल्टीलिंगम दी वल्लों मैं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ, गुरु जी दा अनंतम अनंतम शुकराना करदी हाँ। गुरु जी ने हमेशा सब नूं कहा आओ माड़ियां गल्लां ना सुनो, अपना आओ सीधे आओ गुरु दे चरणां च बैठो, 90% गुरु तुहाडा कष्ट कट्टेगा, 10% कर्म है जिहड़ा वो मैं नहीं कट्टांगा, उह भोगो।
ये गुरु जी साढ़े सामने क्या करते सी, शर्मा आंटी अपनी अप्रोच सुप्रीम रखो, बाकी माड़िया की गल्ला सुनो ना। क्यों कहते सीगे सानू भी उदों पता नहीं सी, 34 साल की उम्र सी, हुण तां 60 दे होए, नहीं पता सी क्यों कहते सी, लेकिन अज समझ आती है कि वाकई टाइम इदां दा आ रहा है कि हर तरह के नाल है। गुरु जी सिंपल सी, पहले जाते सी कड़ा प्रसाद मिलता सीगा, गुरु जी दे कड़ा प्रसाद लैके असीं बैठते सी, नाल ही चाह आ जाती सी, गुरु जी कहते सी चाह जल्दी दो, चाह जल्दी दो, चाह मिल जाती सी। उस तो बाद गुरु जी कहते सी दाल फुलका खिलाण बिठाओ, जो असीं दाल फुलका खाण जाते सी उस वक्त नुसरत अली खान दे लगते सीगे, ते असीं उह सुणदे सीगे, ते जदों खा के आंदे सी ते असीं गुरु जी वल नहीं सी देखदे, क्योंकि गुरु जी सानूं बहुत जल्दी सब नूं संगत नूं कहिंदे सी जाओ, असीं नहीं देखदे सी, मूंह नीचे करदे सी, पर गुरु जी ने जिन्हों भेजना आवाज मार ही लैंदे सी, आ भी जोशी अंकल, आ भी शर्मा आंटी, शर्मा अंकल चलो चलो फटाफट चलो। और कई बार मौजा इनिया होंदिया सी, दो दो तीन तीन दिन भी अंपायर स्टेट च रख लेंदे सी, जां आंटी शर्मा आंटी नूं घर रखी, उन्हां दी अपनी मौज हुंदी सीगी। अज सत्संग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा सीगा कि खत्री आंटी भी ओल्ड संगत है, और 1995 तो ना 2005 तो गुरु जी नाल जुड़े हुए ने, और गुरु जी को जानते रहे हैं, और इन्हों दे भी बहुत सत्संग है। एक सत्संग इन्होंने मैनू भी सुनाया सीगा कि इन्हों का पर्स इदा हो गया सीगा, वह पर्स गुरु जी ने इन्हों का सी ढल अंकल का, वह पर्स गुरु बाहर रख के भुल गए सी चाबियां चुबियां, गुरु जी ने देखो उसी तरह उनकी रक्षा की, और उत्थे मतलब गए गुरु जी हर एक दे, मतलब हुणी दा लेटेस्ट सत्संग देखो हर एक दी गुरु जी मतलब रखवाली भी करते सीगे, भी जिहड़ा आ गया गुरु जी ड्यूटी बन जांदी सी, कहिंदे मेरी कि मेरा मतलब कि मैं आ गए तुसीं भेजना मेरा कम है। हुण एक संगत आई सी राजवंत मेरे मतलब पटियाले तों आई सीगी, असीं जाणा सीगा बद्दी, मैं कहा देख गड्डी च तूं राजवंत जरूर बैठी आ मेरे, पर जान लगे तू इस गड्डी च नहीं बैठ सकती। वो कहिंदी क्यों आंटी, मैं तो 4 बजे चल पहुंचना घर। मैं कहा देख भी ये गुरु जी की इच्छा है, उन्होंने कद तेनू लेके जाना है, मैनू भी नहीं पता, लेकिन वो दूसरी गड्डी का इंतजाम करनगे तेरे लैन वास्ते। वह कहिंदी चलो आंटी फटाफट घर चलो, असी गड्डी अंकल कढ़न लगे, तो असी फटाफट जदों गड्डी दे विच बैठन लगे तो एक अंकल इनू भी जानते सी और मैनू भी, वह मिल गए सीमा। वह कह लगी मैं क्या तुम किधरों जाना है, कहते दिल्ली जाना है, मैं क्या हूँ ही जाना, कहें हाँ, मैं भी कहते असी हाँ रस्ते च छड़ दांगे, और मैं मेरी हासी निकल गई। तो मैं क्या देख राजवंत उस वक्त थोड़ा जा सोच रही थी भी आंटी इदा कहें, देखो गुरु जी ने सचमुची ही वह किया, गुरु जी अपना होर विश्वास करने वास्ते जो भी संगत जी अपने मुँह चो हल्का जो भी गुरु जी के नाम का कुछ कहें गुरु जी ने पूरा करना ही पैदा है, क्योंकि आप गुरु जी के नाल जुड़े हुए हैं और सच्चे मन के नाल जुड़े हुए हैं। मैं जो अपनी कुड़ी का विह रखिया 2001 के विच, ते मैनू कहंदे केड़ी दा है, मैं क्या है गुरु जी इको दा ही है, कहिंदे चक जोड़े ले जा मेरे कर लै फिर केड़ी दा है, मैं तो फिर पुछदा केड़ी दा है, मैं कहां गुरु जी कोई कुड़ी है भी, मेरे तो इको ही कुड़ी है। सो गुरु जी नूं पता हुंदा सी की होना है की नहीं होना है, 2001 तो कदों होया साडे नाल कुछ नहीं पता लगता। सो गुरु जी नूं आपां जिन्ना भी असी गुरु जी दे अंदर जावांगे उन्ना ही गुरु जी सानू अपने अंदर लजा के सानू सारा कुछ अपने हिसाब नाल अपने ओदे नाल जो साडे लई ठीक है उही करनगे। जो असी कहंदे हां कि एकदम गुरु जी आ हो जाए वह गुरु जी लई नहीं है। गुरु जी हमेशा कहंदे सी मैं कदी चमत्कार नहीं करदा, मैं कदे कुछ नहीं करदा, मैं एक कल्याण करदा। मेरिया टीचरां दे पिछे पै जांदे सी गुरु जी चलो दौड़ो मैं तो कल्याण करदा, मैं उन्होंने कहंदी सी भजना नहीं, उन्होंने पता नहीं थोड़े अंदरों की रोग दौड़ाया, सानू डांट पैंदी सी, बड़े चले जाते बड़े छड़ जाते गुरु जी नूं, दूजे गुरु अपना लेंदे सी जिहड़े कोल बिठाते सी पुचकारदे सी मतलब वो करते सी, पर गुरु जी ने कदे कुछ उत्थे ना चढ़ावा। देखो एक पहले गुरु है जिथे ना चढ़ावा है ना कुछ है, जाओ गुरु जी कहंदे खाओ पियो मुझा लुट्टो, जाओ किरत की कमाई है और घर बैठ के बच्चे देखो। सो मल्टीलिंगम की तरफ तो फिर एक बारी खत्री आंटी और खत्री अंकल का धन्यवाद करते हैं, गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं कि इन्नी प्यारी प्यारी संगत गुरु जी दे रहे ने, और हर संगत नूं सुनन दा मौका भी मिलता है कि किस तरह गुरु जी कल्याण कर रहे ने। अज भी गुरु जी कल्याण करते ने, सत्संग हो रहा हों गुरु जी साक्षात आके बैठ जाते ने और पूरा प्रूफ देंगे ने कि मैं बैठ गया, जां चोले दे उपर जां उस च गुरु जी का स्वरूप हिलेगा जा कुछ होएगा, गुरु जी साक्षात दंदे हैं कि जा ज्योति उपर हो जाएगी और साक्षात गुरु जी दर्शन दंदे ने। घर घर सत्संग ने, घर घर गुरु जी ने कहा मैं बैठा है और बैठा रहांगा। सो गुरु जी नूं आपां जिन्ने चरणां दे विच जुड़ रहे हैं सारे
मिलके एक बार फिर गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना करा। मेरी दोती सी राधा 2002 दे विच मैं गुरु जी को लै गई उसनू, ते छोटी जी सी। ते जो मैं गुरु जी की क्या लिया इधर लिया कुड़ी नू, आ तेरी कुड़ी है, मैं इधर उधर देखा भी हाई मेरी तो दोती हैगी है। तो मैनू उस वक्त यह नहीं सी पता गुरु जी ने गल क्यों कही, क्योंकि वाकई मैं उसनू इत्थे रही मेरे को ही रही उदों दी, पढ़ी लिखी। हुण मैं ब्याह करता उहदे कोल भी बेटी है, जदों गुरु जी ने अपनी गोदी दे लिया चुक्या ते बिल्कुल गुरु जी दे बहुत सोहणी है, गुरु जी उहदी ओही कुड़ी लगे। उह मैं कहा नहीं गुरु जी तो तुहाडी ओही है, गुरु जी हसण लग गए। उदों गुरु जी नूं पता सीगा कि इह कुड़ी साडी ओही है, इत्थे ही रहिणा इहने। सो हर चीज़ दा गुरु जी नूं बहुत ही, अज भी बहुत कुछ गुरु जी नूं पता हुंदा सीगा कि कदों की होणा है आपां नूं। मैं तां कदी बीमार भी नहीं हुंदी सीगी, ना मैं बीमार सी ना मैनूं पता सीगा कि आ ब्रेन स्टेम की हुंदा है की नहीं हुंदा, पता नहीं सी, कुछ नहीं सी पता। और अज भी गुरु जी दे सां है इत्थे मेरे, संगत मंथली सत्संग हुंदा है, संगत आंदी सी। बाहर मेरी टुट्टी फुट्टी सड़क सी और उबड़ खाबड़ सीगी, ते संगत ने कहना आंटी इत्थे कुछ बना लो, कई वारी भी इत्थे थोड़ा जा सीमेंट ही लगवा लो। मैं कहा भी चलो करदे हैं करदे हैं, इदा करदे करांदे 3-4 महीने हो गए। ते एक दिन बाहर एक सरदार जी आए लंबे सारे, कहते बीबा तेरी सड़क बनवाना है। मैं क्या अच्छा जी, कहते आंटी आ जा बाहर आ जा मैनू चाह पिला दे। मैं क्या भी चाह मैं बनाना ही फटाफट अंदर, मैनू बड़ी जल्दी सी ते मैं भी जाना सीगा। मैं जदों ही चाह बनाई ते वो लैची भी कुट के पा रही हूँ, जिनी चाह मैं जल्दी बनाने की सोच रही हूँ उन्ना लेट हो जा रहा, बिच अंदरों प्रसाद भी कड़ रही हूँ जो बनाइया पिनिया लैके मैं बाहर गई। कहते आ सड़क का नाप लै लिया कितों की बनानी है, इतों बना दिए। मैं क्या देख लो जिथों की ठीक लगती है उतों की बना दे। मैं बाद चो संगत से 1-2 दिन बाद मैं क्या हूं इन्नी मुश्किल नहीं आनी भी इतने सड़क बनन लगी है, 4 महीने हो गए। वो कहते आंटी सड़क तो बनी नहीं अजे थोड़े। मैं क्या भी पता नहीं क्या क्या गई है। कहते अच्छा ते हूं देखो सड़क बनाती, जो तो सड़क बनाने वास्ते आए, जो तो मैं बाहर चाह प्रसाद के भांडे चक्कन आई हाँ ते मैं देखा वह है ही नहीं सके। मैनू एक मतलब संगत ने फोन किया, मैं कोई मिलन आया, वो कहती कोई मिलन नहीं आया गुरु जी है जो तेन सड़क का, उन्होंने कितना पता लग्या भी इतना सड़क है, भज के फोटो खिंच। मैं फोटो खिंचन गई वो नहीं सके, और भांडे भी इन्नी उच्ची रख गए कि मैं उतार नहीं सकती सी। ते मेरी एक बहू बड़ी लंबी है, वो शाम को आई तो उन्हें भांडे उतार के अंदर असी रखे। सो गुरु जी किस रूप च आ जाते, नहीं पहचान कराते उस टाइम, कोई ना कोई कम लगा देंगे हैं और एकदम चले जाते हैं। जो चले जाते हैं फिर मतलब कि इस तरह एक झुंझुनाहट आती है भी गुरु जी आए सीगे, मतलब कि ओयो सीगे उन्होंने किया। हूँ बनी है सड़क और इन्नी अच्छी सड़क बना के गए हैं उन्होंने, जो सड़क बनाने वास्ते आए तो मैं जय गुरु जी, जिदा गुरु जी कहते तुम कड़े गुरु जी ने मानते राधा स्वामी ने, मैं नहीं साढ़े डुगरी वाले गुरु जी हैं। वो अंदर आ गए तो उन्होंने मत्था टेकया उस दिन भी, मतलब देखो पटियाले तो एक बर्फी का प्रसाद आया सीगा राजवंदे घरों, उही प्रसाद देखो पूरी संगत इतने खा के गई है। सो गुरु जी ने चुनिया हुंदा है सब कुछ भी, कद कित्थे प्रसाद आना है और कितों कितों संगत ने आकर आना। सारे उत्थे जिन्ने मजदूर से सारे अंदर मत्था टेक के गए और 3 दिनों च उन्होंने सड़क बनाती। परसों सत्संग है और संगत जी नू किसी नू भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। सो गुरु जी जदों फिजिकल सी उदों भी, हुण भी फिजिकल बैठे हुए ने, शर्मा आंटी का सत्संग सुन रहे ने, पर वो सत्संग मैं एक सुना नहीं सकती क्योंकि वो गुरु जी का देख के अज भी वो हो जाता है। मंदिर जाती हाँ मैनू हजे भी फोन आते आंटी बड़े मंदिर चलीए, क्योंकि मैं जो गुरु जी नू लाइव देख ली हो सकता है उस टाइम थोड़ा जा हो जाता, लेकिन एकदम एक समाधि से जाके गुरु जी के दर्शन करने और गुरु जी बाहर निकलते हैं बैठते हैं हाथ फड़ते हैं अज भी सारी दुनिया नूं भेज दिंदे हैं, लेकिन उन्होंने मैनू कदी नहीं कहा कि आंटी तू जल्दी जल्दी जा। मैं खड़ी होके जिन्नी देर तक गुरु जी को बैठ के आंदी हैं बैठा दिंदे हैं, फिर अच भी गुरु जी नूं उत्थे जाके नहीं सामना नहीं होंदा मेरी अखां तों। 14 साल बाद हुण मैं गई सी, 14 साल बाद मैनूं इसी गौतम अंकल ने कहा सीगा, कहिंदे आंटी तुसीं शुकराना भी करोगे गुरु जी दा, धन्यवाद भी करोगे संगत जी दी प्लेटफॉर्म ते आणगे, सब कुछ करोगे। सो वासन अंकल दा बहुत बहुत धन्यवाद, शुकराना गुरु जी बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। इन्ने प्योर सोल ने वासन अंकल, और उन मैनू पता भी नहीं सीगा
कि मतलब एक दिन अचानक उन्होंने मैनू कह देना कि आओ तुसी और अपना सत्संग सुनाओ। और सो हर एक मल्टी परिवार का धन्यवाद, उन्होंने वालों धन्यवाद, खत्री आंटी का, खत्री अंकल का, गुरु जी का शुकराना। सो गुरु जी दे महिमा जिनी भी की जाए बहुत घट है, चाहे समय की भी थोड़ी शॉर्टेज है। सो हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु जी नू कुछ ना मंगो, गुरु जी तो गुरु जी नू मनो। गुरु जी खुद कहंदे सीगे कि आओ देखो गुरु जी नू, गुरु सब जानता है, गुरु नू दसन की लोड़ नहीं है, गुरु जी सब जानते ने। एक बार कोई पूछन लगे गुरु जी, वो कहंदे बस चुप रह मैनू सब पता है। गुरु जी नू सब पता हुंदा सी, गुरु जी नू कुछ कहन दी भी लोड़ नहीं सी पैंदी। सो इन्नी प्यारी संगत प्लेटफॉर्म ते आंदी है मल्टीलिंगम च, और आपां नू कुछ ना कुछ दस के जांदी है, गुरु जी दा गुणगान करके जांदे ने। गुरु जी दा सत्संग जो भी सुनदा है ओहदा भी कल्याण है। गुरु जी कहंदे सी जो सुना रहा है ओहदा तो कल्याण हो ही जांदा है, जो सुन रहा है ओहदा मैं बहुत ज्यादा कल्याण करदा है, ने गुरु जी कहा करदे सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मल्टीलिंगम दी तरफ तो खत्री आंटी और अंकल दा धन्यवाद, गुरु जी दा अनंतम अनंतम शुकराना। बोलदे हुए जो भी गुरु जी गलती हो जाए, असीं बच्चे हाँ, तुहानू माफी देना। अति वासन अंकल दा भी बहुत बहुत शुकराना कि उन्होंने ये चलाया, जिदे विच हर संगत नू अपना एक मौका मिल रहा है, जो गुरु जी दे नाल जुड़े सी उन्हां नू, जो गुरु जी हुण कल्याण कर रहे, उन्हां नू हर एक नू मौका मिल रहा, उन्हां दे लई सब बराबर ने, उन्हां लई भी कोई फर्क नहीं है कि नवीं संगत है पुरानी है। वो कहिंदे जिस दे भी गुरु जी ने कल्याण किया है, प्लेटफॉर्म ते आओ और संगत जी नू अपना गुणगान करके दसो, गुरु जी दी महिमा नू गाओ। और सो वासन अंकल दा भी हिरदे दे नाल शुकराना, गुरु जी दे चरणा च अनंतम अनंतम शर्मा आंटी दा शुकराना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज, बेअन शुकराना गुरु साहिब जी। प्यारी प्यारी संगतां नू गुरु महाराज जी भेजते ने, पूरी टीम वालों गुरु जी महाराज का शुकराना। मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म के तरफों गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुकराना। मालिक गुरु महाराज जी आप प्लान करते हैं, प्यारी प्यारी संगतां नू सब ले भेजते हैं, ब्लैसिंग सब दी है। थैंक यू सो मच खत्री आंटी जी, अंकल जी, रेनू आंटी जी, बहुत बहुत शुकराना महाराज का। तुहानू जद भी गुरु जी महाराज गाइड करन, प्लीज तुसी आप जी आए और गुरु महाराज दी ब्लेसिंग्स सारे परिवार नाल शेयर करें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी अब गुरु जय महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, बेन शुकराना महाराज। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी।